राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और कैसे हो आप सभी? और हम जा रहे हैं बटेश्वर, मिलते बटेश्वरिया के आप सबसे। हमारा प्रवेश हो चुका ही है, बड़ा द्वार बाबा महादेव का प्रवेश कर चुके हैं। तो ये मुख्य प्रवेश द्वार आप सबके पास गए और जाकर के गोद में उठाया भगवान। ये मुख्य प्रवेश द्वार भगवान ने कहा बेटा अभी रुक जा, तेरे को कंधे पे डलवाता हूँ। यहाँ शायद भागवत और ये यहाँ पर नंदी और ये हमारे भोलेनाथ, आप सभी दर्शन कर सकते हो। आप सबको बहुत सारा आशीर्वाद है भोलेनाथ का। ये स्वयं प्रकट हुए थे यमुना मैया से, बहुत प्राचीन कथा है इनके बारे में। आप सबके परिवार पर आशीर्वाद बना रहे इनका। जय भोले जी। ये बात उस वाले सब तो आप लोग देख सकते हैं देख कितने घंटे चढ़े हुए हैं, क्योंकि हर मनोकामना पूर्ण होती है भोलेनाथ के दरबार में। और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, एक रात की बनी हुई 108 मंदिर की कथा सुनाई जाती है। अब चलते हैं बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश जी महाराज के मंदिर में। आप सब भी दर्शन कर लीजिए। ये माता पार्वती हमारी
और ये है बाबा भोलेनाथ। आज एकांत में दर्शन कर पा रहे होंगे आप लोग। ये है गणेश जी महाराज और यहाँ पर है नंदी जी विराजमान। आप सब पर भी आशीर्वाद बना रहे हैं मैया और बाबा भोलेनाथ का। आप सबके परिवार पर खूब खूब आशीर्वाद बना रहे। आप सब भी दर्शन कर लीजिए बाबा भोलेनाथ से जो मांगना मांग सकते। तो यहाँ पर आप लोग यमुना मैया ही दर्शन कर सकते हैं। ये सीढ़ियाँ यमुना मंदिर ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। सुनाई एक रात के बने हुए। यहाँ पर 108 मंदिर हैं, एक रात के बने हुए, सभी बाबा भोलेनाथ के हैं। जहाँ जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ वहाँ तक मंदिर है। और इधर बह रही है यमुना मैया, आप सभी दर्शन कर सकते हैं। देख सकते हैं कितने श्रद्धालु आए हुए हैं। वैसे आज शुक्रवार है, सोमवार को ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर। तो घाट बना हुआ है यमुना मैया का। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक मंदिर ही मंदिर दिखेंगे। यही चमत्कार है यहाँ का। ये वाला जो मंदिर है ये मुख्य मंदिर है सभी मंदिरों में। और देखिए साक्षात भोले हनुमान जी बाबा के दर्शन हो चुके हैं यहाँ पर। हनुमान जी बाबा आसपास ही हैं। ये अभन कुंड, यहाँ पर अभन किए जाते हैं।